आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान जैसे बहुत ही मुश्किल जगह में रहने वाले मीयरकैट के बारे में, जो देखने में बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं। मीयरकैट मंगूज यानी नेवले की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीयरकैट एक सामाजिक स्तनपायी है और ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 12 इंच तक होती है और वजन इनका लगभग 1 किलो तक होता है। ये मॉब यानी समूह में रहते हैं, जिसमें इनके 2 से 3 परिवार होते हैं। हर समूह में एक डोमिनेंट मादा होती है, जिसे मैट्रियार्क यानी कुल माता कहते हैं। हर समूह में सिर्फ मैट्रियार्क ही बच्चे पैदा कर सकती है। बाकी की फीमेल्स का काम सिर्फ इनके बच्चों की देखभाल करना होता है, वे बच्चे नहीं दे सकते। बाकी के सारे मीयरकैट मैट्रियार्क के बच्चों की देखभाल करते हैं। इनमें देखने, सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। ये दिन भर में लगभग 5 से 8 घंटे भोजन की तलाश में रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर कृपया कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये एक मांसाहारी प्राणी है, जो कीड़े, बिच्छू, छोटी छिपकलियां, सांप और दूसरों के अंडों का शिकार कर उन्हें खाते हैं। ये बिच्छू और सांप के जहर से इम्यून यानी प्रतिरक्षित होते हैं। इन पर इनके जहर का कोई असर नहीं पड़ता। मीयरकैट ज्यादातर चील और बाज का शिकार बनते हैं। ये बहुत ही डरपोक प्राणी होते हैं। ये शिकारियों से बचने के लिए 24 घंटा चौकन्ने रहते हैं। इनके समूह में एक मीयरकैट प्रहरी की तरह सबसे ऊंचे जगह पर जाकर पूरे क्षेत्र की निगरानी करता है और किसी भी खतरे को स्पेशल साउंड के जरिए पूरे समूह को वार्न करता है। ये अपने पिछले पैरों पर बार बार खड़े होकर अपने आसपास के पर्यावरण का सर्वेक्षण करते रहते हैं। मीयरकैट बरसात के मौसम में मेटिंग करते हैं और हर साल 3 से 5 बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चे तब तक बिल में ही रहते हैं जब तक कि वो ठोस भोजन खाने लायक ना हो जाएं। ये गड्ढे बनाकर बिल में रहते हैं और लगभग 10 साल तक जीवित रहते हैं। फॉर्चुनेटली मीयरकैट अन्य जीवों की तुलना में सबसे कम खतरे में है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकृति की एक और खूबसूरत जीव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।